नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और आप सभी को समाचार 24 प्लस की तरफ से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कालका जी विधानसभा में, जहां पर जुनेजा परिवार के द्वारा शिवरात्रि का आयोजन बड़ी धूमधाम से हर वर्ष किया जाता है। इसके अंदर जुनेजा परिवार के नेतृत्व में शिव की बारात निकाली जाती है, जिसके अंदर भोले शंकर की झांकियां और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। जुनेजा परिवार ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से कर रहा है और इस बार भी जुनेजा परिवार के द्वारा लगातार शिव बारात निकाली गई है, जो कि पूरी गोविंदपुरी कालका जी विधानसभा के अंदर जुनेजा परिवार के द्वारा जो बारात निकाली गई है वो घूमेगी। और इस बारात में आप लोगों को शिव जी की शादी दिखाई देगी, भूतों की बारात दिखाई देगी, तरह तरह की झांकियां दिखाई देगी। आइए दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। शिवरात्रि के मौके पर हर वर्ष कालका जी में जुनेजा परिवार के द्वारा शिवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से कार्यक्रम मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में शिव की बारात से लेकर लंगर प्रसाद का पूरा आयोजन किया जाता है और लोगों को ये दिखाया जाता है कि किस तरह से भगवान शिव और भगवान पार्वती जी की शादी हुई थी। पूरी प्रथा के साथ शादी करवाई जाती है और अंत में भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर लोग काफी प्रसन्न होते हैं। ये कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से जुनेजा परिवार के द्वारा किया जा रहा है। तरीके से हर बार आप लोग मनाते हो ये जो शिव उत्सव, क्या लगता है किस लिए मनाते हो और इस बार कैसा बना? इस बारी तो बहुत अच्छा, हर बारी बहुत अच्छा बनता है। जब भी शुरू करो इतना अच्छा बनता है, बस अपने आप भगवान की मेहर होती है, भोले बाबा की। बच्चे इतनी श्रद्धा से करते हैं और सारे मिलके करते हैं। हर बार शिवरात्रि पे आप लोग इतनी झांकियां निकालते हैं, पूरा जुली? हाँ, बच्चे ही करते हैं दोनों, मनोज और संजय। क्या संदेश रहेगा देशवासियों को इस शिवरात्रि पे? ये है कि आगे की पीढ़ी ये चलती रहेगी, यही अच्छी भक्ति भाव का चलता रहे। जुनेजा परिवार के द्वारा हर साल शिव का जो उत्सव मनाया जाता है, किस तरीके से इनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सब लोगों को, और जुनेजा परिवार जो यह महाशिवरात्रि का पर्व हर साल मनाता है और जो झांकियाँ निकाली जाती हैं इनके परिवार के द्वारा, बहुत ही अविस्मरणीय होती हैं और बहुत ही सुंदर और आकर्षक झांकी होती हैं। और भोले बाबा का इस परिवार के ऊपर पूरा आशीर्वाद है और मेरी इस परिवार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि यह परिवार इसी प्रकार भोले बाबा की झांकियाँ निकालता रहे।